कोई भी, ठीक है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ध्यान दीजिए भैया, क्वेश्चन ये रहे, क्वेश्चन देख लीजिए भैया। अब भाई प्लीज कोई बोले नहीं, हाथ जोड़ रहा हूँ, ठीक है। क्या कह रहा है? कह रहा है भैया, अ बॉडी ऑफ मास 1 kg इनिशियली एट रेस्ट। बॉडी का मास कितना है? इनिशियल कंडीशन की बात कर रहा है, इनिशियल कंडीशन की बात कर रहा है। तो भैया इनिशियल कंडीशन की बात कर रहा है, तो बॉडी का मास कितना है भैया? 1 kg। और उसकी वेलोसिटी क्या है भैया? 0। इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया? 0। कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद एक्सप्लोड इनटू द 3 फ्रेगमेंट्स, 3 फ्रेगमेंट में वो एक्सप्लोड जाती है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था अगर 3 फ्रेगमेंट में एक्सप्लोड हो गई है तो 2 का रिजल्ट तीसरे के मोमेंटम के क्या होता है? बराबर आता है, बताया था मैंने। तो कह रहे भैया 3 फ्रेगमेंट में डिवाइड हो गई, पहला क्या 1:1:3, मतलब कि उनका टूट रहे मास का जो रेशियो है 1:1:3 है। द 2 पीसेस ऑफ द इक्वल मासेस, जिसका 1:1 है ना, उनका मास इक्वल है, फ्लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर विद द अदर 30 मीटर पर सेकेंड ईच अदर। भाई परपेंडिकुलर प्लीज यार, हेलो, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द हैवियर फ्रेगमेंट, बड़े वाले फ्रेगमेंट की वेलोसिटी क्या होगी? समझ गए भैया? कह रहा भैया ये मास ऐसा था, इसका मास क्या था? इनिशियल ये वेलोसिटी क्या थी? 0 थी। ये गया और आगे टूट गया, ये पहले का मास क्या था? mx 1x 1:1 क्या है भैया? 1:1:3। तो m1 मास को मैंने क्या मान लिया? x। m2 मास को क्या मान लिया? x। तो m3 मास क्या होगा? 3x हो जाएगा। ये जो दूसरा मास है वो क्या है? वो भी एक्स है, ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। क्या है? ये दोनों एक दूसरे क्या है? परपेंडिकुलर। अच्छा, दोनों की वेलोसिटी भी क्या है भैया? 30 मीटर पर सेकेंड। क्या है? 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी क्या है? 30 मीटर पर सेकेंड है। समझ गया? अब कह रहा है भैया यहाँ पर एक हैवियर मास भी है, जिसका मास क्या है? 3x है। क्या है? 3x है। समझ गया? इनका मास क्या भी है, जो तीसरा मास है जिसका जिसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें नहीं दे रखी है, उसका मास मास क्या भैया? 3x है। तो कह रहा है भैया इसकी वेलोसिटी बताइए। इसकी वेलोसिटी मुझे नहीं पता, इसकी वेलोसिटी नहीं पता। तो भैया जैसे कि आपको पता है इनिशियल मोमेंटम 0 होगा, फाइनल में क्या होगा? एक इसका मोमेंटम, एक इसका मोमेंटम, और एक इसका मोमेंटम, इसका मोमेंटम, इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम, ये 3 मोमेंटम है हमारे पास। क्या करेंगे भैया, कोई बताया मुझे? ठीक है, क्या करेंगे भैया बताया कोई मेरे को, इसको करना कैसे है? सुन लीजिए भैया, देखिए आसान तरीका बताऊं या हार्ड तरीका बताऊं? एक बार में सुनना है, देखिए भैया। नहीं, हार्ड वाला तो फिर बेकार हो जाएगा ना, फिर आसानी देख लो। देखिए भैया, ये एंगल कितना होगा भैया? अगर इन दोनों के बीच में 45 डिग्री का एंगल है, सुन लीजिए, इन दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में एंगल कितना भैया? 45 का, ओ सॉरी 90 का। तो ये कितना होगा? 45। और ये भी क्या होगा भैया? रिजोल्व करो इसके, इसका कंपोनेंट रिजोल्व करो। तो इधर क्या आएगा भैया? इसका कंपोनेंट अगर आप रिजोल्व करोगे तो क्या होगा? इसका मास मैंने, ये हो गया, इसकी वेलोसिटी क्या? 3x है। ये मास क्या है इसका? x है। वेलोसिटी कितनी है इसकी? 30 है, सॉरी। और मास कितना है इसका? तो मोमेंटम कितना होगा इसका? 30x। क्या होगा? 30x होगा ना। 30x का x कंपोनेंट यहां पर क्या आएगा? 30x cos 45। और इसका दूसरा कंपोनेंट जो यहां पर रहेगा वो ये रहा, वो क्या होगा? 30x sin 45। कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसे ऊपर वाले को रिजोल्व करो। ये क्या होगा? इसका मास कितना है? x। तो इसका मोमेंटम क्या होगा? 30x cos 45, ठीक है भैया। और इसका क्या होगा? 30x sin 45। आप देख रहे हो दोनों एक दूसरे के क्या है? इक्वल अपोजिट है, कैंसिल हो गए। अभी अपने को पता है भैया इनिशियल मोमेंटम क्या है इसका? इसका इनिशियल मोमेंटम क्या है? 0। फाइनल मोमेंटम क्या आएगा आपका? फाइनल मोमेंटम देखिए, फाइनल मोमेंटम में आपने देखा कि ये देखिए, जो चीज रिजॉल्व कर देते हो ना उसको कंसीडर नहीं करते। अब इसके बारे में
और इसके बारे में कोई बात नहीं होगी। रिजोल्व पार्ट के बारे में बात होगी, रिजोल्व पार्ट में ये दोनों क्या हुए, एक दूसरे को इन्होंने कैंसिल कर दिया। अपने पास बचे क्या है, क्या भैया 30x cos 45 और दूसरा भी क्या भैया 30x cos 45। समझ गया भैया, इसकी भी टू लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए टू लगा दिया ठीक है। अरे यार एक तो मास का लिखा ही नहीं मैंने सुन लीजिए, इन दोनों का मिलके हो गया। अच्छा आपको पता है एक और मास है, एक मास है तीसरा वाला पार्ट, तीसरा वाला फ्रेगमेंट, इसका रेशियो क्या है 3x है, तो उसका मोमेंटम भी क्या होगा इसी लाइन में जुड़ेगा, क्योंकि आपको पता है उसका मोमेंटम भी मैंने जोड़ दिया। यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा 3x, उसकी वेलोसिटी मैंने मान ली भी ठीक है भैया, इसका मोमेंटम हो गया मास इंटू में उसकी वेलोसिटी, उसका मास क्या है 3x है, उसकी वेलोसिटी मैंने भी अज्यूम कर लिया। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, क्या कहता है भैया, इनिशियल मोमेंटम बराबर में फाइनल, इनिशियल क्या है भैया जीरो, और फाइनल मोमेंटम क्या रखा मेरा ये ठीक है 260x, हाँ मुझे पता है 60x हो जाएगा ये cos 45 प्लस 3x इंटू में वेलोसिटी ठीक है भैया। इसको परली साइड में ले आओ, सॉल्व करो तो क्या आएगा भैया, आपको उधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 3xv बराबर में ये क्या होगा माइनस 60x cos 45 क्या होता है 1 बाय मेंड रूट 2, एक्स एक्स क्या हुआ भैया कैंसिल हो गया, तो आपकी वेलोसिटी क्या आ गई, ये 3 से डिवाइड हो तो क्या होगा माइनस 20 अपॉन में अंडर रूट 2 मीटर पर सेकेंड, ये बड़े वाले फ्रेगमेंट की वेलोसिटी आ गई। ये किसकी वेलोसिटी आ गई भैया, बड़े वाले फ्रेगमेंट की वेलोसिटी आ गई ठीक है। अच्छा माइनस का साइन यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि ये जो बड़ा वाला फ्रेगमेंट है ना वो उन दोनों से क्या गया है अपोजिट गया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर तीन रिजल्ट तीन होते हैं तो दो का रिजल्ट तीसरे वाले के क्या होगा अपोजिट होगा, बताया था ना, तो यहां पर अपने आप ही आ गया, मैंने कुछ किया ही नहीं है। मैंने क्या किया तीनों के मोमेंटम को, पहले देखिए ये दोनों तो 45 डिग्री पे थे समझ गए, इसको दोनों का ये किस पे आ रहा था 45, ये दोनों एक दूसरे पे 90 पे थे, तो इसको रिजोल्व कर लिया मैंने। इसका एक कंपोनेंट क्या हुआ इधर आया, इसका एक कंपोनेंट क्या हुआ इधर आया, और इसका एक कंपोनेंट क्या हुआ इधर गया, इसका दूसरा कंपोनेंट इधर आया, इसका दूसरा कंपोनेंट क्या हुआ इधर गया ठीक है। इन दोनों ने आपस में क्या किया कैंसिल कर दिया। अपने पास क्या बचा, एक तो वाला जो बड़ा वाला फ्रेगमेंट है जिसका मास क्या है 3x है, जिसकी वेलोसिटी मैंने अपने आप से अज्यूम कर ली क्या v, बाकी दो मोमेंटम के कंपोनेंट ये दोनों तो कैंसिल हो गए, क्या बचा पहले वाले 30x cos 45, 30x दोनों सेम है, तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा, फाइनल में क्या होगा इन दोनों का मोमेंटम जोड़ दीजिए क्या कही आ गया, और जो तीसरा वाला, जो तीसरा वाला पार्ट है जिसको मैंने अज्यूम कर रखा है, तो मुझे पता है इनिशियल बराबर में फाइनल होता है, दोनों को इक्वेट कर दीजिए, यहाँ पर इनिशियल क्या है भैया जीरो, इनिशियल क्या है भैया पूरे सिस्टम का जीरो, फाइनल क्या है ये मोमेंटम प्लस बड़े वाले का मोमेंटम, अरेंज किया आंसर ही आ गया, बताना क्या क्या देखना कुछ फालतू ना मीडिया क्या मिट रहा है माइनस 20 अंडर रूट में 2, इसको अगर वो रेसलाइज करोगे तो आएगा माइनस 10 अंडर रूट में 2 ठीक है भैया मीटर पर सेकेंड ठीक है भैया। क्या करना कैसे है, अरे दोबारा से कर दूंगे इसको है? समझ में आ गया करना कैसे, देखिए पहले अपने को ये कॉपी करना है, डायग्राम समझ ठीक है भैया, फर्स्ट ये कॉपी करना है और सेकंड में क्या करना है भैया फाइनल मोमेंटम निकालना है, ये सेकंड, थर्ड में करना भैया इनिशियल मोमेंटम बराबर में फाइनल, बस उसके बाद करना है आगे मैंने आंसर कितना रखा माइनस 10 देख लो एक बार मैच कला देखिए हाँ वही आएगा टेन, हाँ क्या था हमारा टेन अंडर रूट में, हाँ तो आएगा अंडर रूट 2 होता 1.41 होता है इंटू में 10 करोगे तो आ जाएगा, लेकिन इनका माइनस नहीं आ रहा क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी ये बोल रखा है कि इनका ये क्या है इसकी, देखिए इन दोनों का जो रिजल्ट है वो ये आया है, इन दोनों का जो रिजल्ट है वो ये आया है
और इसके जस्ट अपोजिट ही है। अब एक लंबा वाला मेथड देख लीजिए, थोड़ा वैसे जो आप बताने जा रहे हो वो थोड़ा आसान है, ठीक है, हार्ड तो नहीं कह सकते आप इसको। देखिए अपने को पता भी है, ये वाला तो पता है कि हमें पता है, क्योंकि दो बोर्ड तीन पार्ट हुए हैं, तीन पार्ट हुए हैं, तो दो का जो रिजल्ट आएगा वो तीसरे का क्या होगा? अपोजिट होगा। तो ये हो गया, ठीक है। तीसरा वाला क्या होगा? ये थ्री थ्री एम मास है, इसका क्या है भैया एम, और इसका भी क्या है, तो क्योंकि आपको पता ना 1:1:3 है ना, तो एक को हम 3m मान लेते हैं, दूसरे बाकी क्या होंगे m। इसकी वेलोसिटी क्या 30, इसकी वेलोसिटी क्या भैया 30, इनके बीच में एंगल कितना है 90 का, 90 का एंगल देखा। अब देखिए भैया ध्यान दीजिए, इसका मोमेंटम क्या होगा 3m इंटू में भी, इन दोनों का जो रिजल्ट होगा वो यहां पे आएगा, इन दोनों का जो रिजल्ट होगा बीचों बीच आएगा ना, क्योंकि दो जब वेक्टर बराबर होते हैं, ये दोनों वेक्टर क्या है भैया बराबर है, तो इनका रिजल्ट क्या होता है बीचों बीच से आता है, तो इनका ये क्या मोमेंटम का रिजल्ट यहां पर आया, टोटल टोटल मोमेंटम का रिजल्ट ये क्या होगा अंडर रूट क्या होगा इसके, ये मोमेंटम का स्क्वायर 30 एम का होल स्क्वायर, फिर क्या होगा दूसरा क्या है 30 एम का, अबे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा, तो आगे की टर्म में ही लिखूंगा क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री का है, तो कॉस 90 हो गया पूरा क्या होगा जीरो हो गया। तब देखिए भैया ये फाइनल मोमेंटम क्या होगा, क्या होगा 33m इनटू में v, और ये क्या होगा बाकी का प्लस रिजल्टेंट मोमेंटम, क्या होगा भैया रिजल्टेंट मोमेंटम, और हमें पता है इनिशियली पूरा सिस्टम क्या था रेस्ट में था, तो उसका मोमेंटम क्या होगा जीरो, फाइनल मोमेंटम ये आ रहा है क्या आएगा देखिए उसको जोड़िए, तो फाइनल मोमेंटम आएगा आपका 3mv है ना 3mv, और रिजल्टेंट मोमेंटम क्या रखा है प्लस, इसको जोड़िए क्या हुआ ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 2 30 इंटू में m, कोई दिक्कत तो नहीं है, देखिए दोनों सेम है ना, दोनों सेम है तो दो लग जाएगा दोनों को जोड़ के, जिन जिन टर्म का स्क्वायर है अंडर रूट के बाहर निकाल लो 2 अंडर रहेगा, नहीं समझे, तो ये हो गया फाइनल आ गया, क्या आ गया, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है इनिशियल बराबर में फाइनल, इनिशियल क्या है भैया जीरो, और फाइनल में क्या रखा है 3mv प्लस अंडर रूट 2 30m, ये क्या होगा इधर आएगा तो एक माइनस 3mv अंडर रूट 2 30m, m से m क्या हुआ कैंसिल हो गया, तो v क्या आ गया 30 अंडर रूट 2 माइनस अपॉन में 3 10, तो वेलोसिटी क्या आ गई या कौन सा ज्यादा सही है, तो यही कर लेते हैं, ये वाला सही में आसान है, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा लंबा जाएगा, ठीक है भैया ये ज्यादा आसान है मेरे हिसाब से, लेकिन इसमें एक एडिशनल कंसेप्ट होना चाहिए, और वो भी मैंने यूज नहीं किया, उसका भी कोई यूज नहीं हुआ है, इनिशियल मोमेंटम क्या है जीरो, फाइनल में क्या होगा तीन तीन मास बने, एक का मास m, उसकी वेलोसिटी मेरे को निकालनी है, पता नहीं क्या वेलोसिटी, दूसरे का मास क्या है m मान लिया, ये m 3m क्यों मान रहा हूं पता है, क्योंकि मास का रेशियो रखा मुझे 1:1:3, यानी एक मास m होगा दूसरा मास भी m होगा तीसरा मास क्या होगा 3m होगा, 3m की वेलोसिटी मेरे को निकालनी है, मैंने इसकी वेलोसिटी क्या मान ली भी, बाकी जो m और m है उनकी दोनों की वेलोसिटी क्या रखिए 30 30, तो इसका मोमेंटम क्या होगा m मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, दोनों के बीच में एंगल पता है, तो हमने रिजल्ट निकाल दिया दोनों को, ये दोनों रिजल्ट और एक मोमेंटम ये था दोनों को जोड़ दिया, हमारे पास क्या गया फाइनल मोमेंटम हो गया, इनिशियल बराबर में फाइनल, ठीक है भैया, तो मेरे हिसाब से ठीक है, चलो आगे बढ़े, देखिए भैया देखता हूँ काम का क्वेश्चन है तो कराऊंगा, नहीं तो आगे बढ़ेगा, एक बार ट्राई करना आप, ठीक है इन क्वेश्चनों को, आगे बढ़ता हूँ मैं, ठीक है, रॉकेट प्रोपल्शन आउट ऑफ सिलेबस है जेई वगैरह सबके में, ठीक है भैया, वैसे इसका एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ ताकि आपको लग जाए कि भाई आसानी क्वेश्चन है, ये आया भैया ये कम से कम 4 बार आ रखा है क्वेश्चन सीबीएसई में आ रखा है रॉकेट प्रोपल्शन का ये वाला क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 31 हाँ पेपर में, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, और ये 2-3 जगह देखने वाला है आपको, कह रहा भैया एक बलून है विद मास कैपिटल एम, इसका मास क्या है, एग्जाम्पल नंबर क्या है
आइडियल। बलून का मास कितना है? कैपिटल एल। ध्यान दीजिएगा भैया, आसान है। डिसेंडिंग डाउन विद एक्सेलरेशन ए, नीचे की तरफ आ रहा है, इसका वेट क्या होगा? कैपिटल एम जी। ठीक है भैया, नीचे की तरफ आ रहा है, कितने एक्सेलरेशन से? ए से। ध्यान दीजिए भैया, कह रहा है भैया हाँ, व्हाट मास, वो छोड़ना, व्हाट मास लिखा हुआ है, व्हाट मास स्मॉल एम, कह रहा है कितना मास स्मॉल एम कंटेंट मस्ट बी रिमूव, इसके इसके अंदर से निकाला जाए ताकि ये जितने एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है उतने ही एक्सेलरेशन से क्या जाए, समझे क्वेश्चन का मतलब? ये भी नीचे आ रहा है, इसका मतलब ऐसा हुआ था कि पहले गुब्बारा भारी था, पहले गुब्बारा यानी नीचे वाला फोर्स क्या था? ज्यादा। ऊपर का फोर्स तभी वो क्या था? नीचे आ रहा था। लेकिन जैसे गुब्बारे को हल्का किया तो ऊपर का फोर्स क्या हो गया? ज्यादा। नीचे का फोर्स क्या हो गया? अब वो कहाँ जाने लगा? यानी ऊपर भी कोई फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को मैंने अज्यूम कर लिया, क्या लग रहा है? एफ। क्या लग रहा है? अब दूसरे कंडीशन में जब मैंने इस गुब्बारे से स्मॉल एम निकाल दिया, दूसरे केस में जब मैंने स्मॉल एम निकाल दिया तो ये कहाँ जाने लगा? ए एक्सीलरेशन से ऊपर। अच्छा, इसका नया मास कितना होगा? कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम, नया मास तो यही होगा ना, क्योंकि इसमें स्मॉल एम हटा दिया, पहले कैपिटल एम था, अब इसका मास क्या होगा? कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम। इसका वेट क्या होगा? कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इंटू में जी, और ऊपर का फोर्स अब भी उतना ही है, इसके साथ छेड़छाड़ ही नहीं किया, ऊपर वाले फोर्स के साथ छेड़ नहीं कर रहा, बस इसके नीचे वाले फोर्स, मास बदला, वेट बदल गया। इसकी इक्वेशन बताओ, कहाँ आ रहा गुब्बारा? नीचे आ रहा है। इक्वेशन बताओ, नहीं इक्वेशन पूछ रहा मैं, वो तो पता है ग्रेटर है, देखिए सुन लीजिए, नीचे आ रही है, कहाँ रहा है? तो कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, ऊपर वाला नीचे वाला? ठीक है, सो रहा है क्या? सही से बैठ गया, तुझे नहीं कह रहा उसे पीछे वाले पे, सही से बैठ गया, टाइट हो गया। इक्वेशन बताओ भैया, क्या कह रहा है? एम जी माइनस एफ इक्वल्स टू में एम एक्स, सही कह रहा है, यही है। देखिए भैया, आपको पता है भैया, मैंने बताया था नेट फोर्स क्या होता है, बॉडी का मास इंटू में एक्सेलरेशन, यही बताया था। अच्छा, नेट फोर्स कितना लग रहा है? आपको पता है दो फोर्स लग रहा है, एक नीचे लग रहा है, एक ऊपर लग रहा है, तो इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है? कौन सा फोर्स ज्यादा है? एम जी। नेट फोर्स निकालने के लिए एम जी माइनस एफ बराबर में बॉडी का मास कितना भैया? ये एम, और इसका एक्सेलरेशन क्या है? ए। नेट फोर्स होता है, मैंने बताया था आपको, अगर एक बॉडी पे दो फोर्स लग रहे हैं एफ वन और एफ टू, अगर मैं बोलूंगा कि एफ वन ज्यादा है तो नेट फोर्स होगा एफ वन माइनस एफ टू, और जो नेट फोर्स होता है हमेशा बॉडी के मास और उसके एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर होता है, बताया था मैंने आपको सर। अच्छा, आप ये कहा जा रहा है, तू बता गुड्डा, ये बलून कहा जा रहा है? ऊपर जा रहा है सेकंड के, हाँ ऊपर जा रहा है, तो अब बता कौन सा फोर्स ज्यादा, ऊपर वाला नीचे वाला? अगर ऊपर जा रहा है तो कौन सा फोर्स ज्यादा हुआ? अब ऊपर जा रहा है तो कौन सा फोर्स ज्यादा होना चाहिए? ऊपर वाला ज्यादा होना चाहिए, सही, बिल्कुल सही कह रहा है, क्यों डर रहा है? ऊपर वाला ज्यादा होगा। ठीक है, तो नेट फोर्स किसके बराबर होगा? इसका मास कितना है? कैपिटल एम माइनस स्मॉल, और इसका एक्सेलरेशन क्या है? ए। अब नेट फोर्स कितना होगा? तो ऊपर वाला फोर्स माइनस कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इनटू में जी बराबर में कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इनटू में, कोई दिक्कत तो नहीं भैया? ये अपने पास एक इक्वेशन ये बनी है और एक इक्वेशन ये बनी है, अभी ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे करने वाले हो आप, ठीक है, तो टेंशन मत लेना, ऐसे हो जाएंगे, ठीक है, ये तो ऐसे ही नजर आना, समझ लो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं करा रहा हूँ। कह रहा भैया स्मॉल एम की वैल्यू निकालिए, क्या निकालिए? अच्छा, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इस वाली इक्वेशन को क्या होगा? एफ माइनस जी की मल्टीप्लाई कर दो और माइनस की मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा? कैपिटल एम माइनस जी। देखिए भैया, माइनस की मल्टीप्लाई इसमें होगा और जी की मल्टीप्लाई इसमें, तो यही आएगा, माइनस की मल्टीप्लाई इसमें करो तो क्या होगा? प्लस एम, और जी हो गया, ऐसे यहां पर करो तो क्या हुआ? कैपिटल एम ए स्मॉल एम ए, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब इसको कर दो दूसरी इक्वेशन, ठीक है, अब ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को ऐड कर दीजिए, क्या हुआ? एम जी माइनस एफ बराबर में क्या हुआ? एम ए, और क्या हुआ? एफ माइनस एम जी, सॉरी कैपिटल, कैपिटल एम जी माइनस
प्लस है ना, एम जी बराबर में क्या हुआ कैपिटल एम ए माइनस ये हो गया ये, और ये क्या कट मर गया, हाँ हाँ क्या काट गया, हाँ ठीक है, और एम जी से एम जी भी कट गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, इधर क्या बचा बुड्ढे ज्यादा खुश क्यों हो रहा है, एम जी बराबर में इन दोनों को साथ में लिखिए, ठीक है भैया, तो क्या हुआ टू कैपिटल एम ए माइनस आपको स्मॉल एम निकालना है, क्या निकालना है, तो इसको इधर ले आओ, तो क्या होगा एम जी प्लस एम ए बराबर में टू कैपिटल एम ए, तो एक और एम कॉमन ले लो, क्या ले लो स्मॉल एम, स्मॉल एम कॉमन ले लो, जी प्लस ए बराबर में टू कैपिटल एम ए, तो स्मॉल एम की वैल्यू क्या होगी टू कैपिटल एम ए अपॉन में जी प्लस ए, ये इतना मास हमने रिमूव किया था, वही है, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान रखना ये। अब ऐसे और चार पांच क्वेश्चन करते हैं, देखो बैक टू बैक हटाओ, बुड्ढे पढ़ ले तेरी मौत के साथ यही तेरे साथ जाएंगे। चलो एक क्वेश्चन आप करो, अरे चुप रह, ठीक है चलो ये वाला क्वेश्चन करो भैया, क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी करो अपनी कॉपी में पीछे पढ़ा, ध्यान दीजिए कह रहे क्वेश्चन नंबर 8, अ बलून ऑफ मास स्मॉल एम, क्या है भैया स्मॉल एम इज राइजिंग अप विद एक्सेलरेशन, कितना एक्सेलरेशन जा रहा है ऊपर ए से, ठीक है, शो दैट द फ्रैक्शन ऑफ वेट द वॉल्यूम मस्ट बी डिटैच्ड, कितना वेट मतलब निकाला जाए मास निकाला जाए, ठीक है भैया, इन ऑर्डर टू डबल इट्स एक्सेलरेशन, कि भैया इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाए भैया ऊपर ही जाए, ठीक है भैया, इससे मास मैंने मान लिया क्या निकाला है, मास निकाला ना, तो इससे मैंने मान लिया एम डैश मास निकाल दिया, कितना निकाल दिया एम डैश, तो इसका नया मास क्या होगा एम माइनस एम डैश, इसका वेट क्या होगा एम माइनस एम डैश इंटू में जी, इसका एक्सेलरेशन क्या हो गया टू ए, क्या हो गया तो भैया इक्वेशन लगाओ, पहले पहले वाले बुड्ढे बता पहली इक्वेशन क्या होगी, एफ माइनस एम जी इक्वल्स टू में एम ए, ये होगी पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन क्या होगी भैया बोलिए मत, दूसरी इक्वेशन क्या होगी भैया, नहीं एफ माइनस एम माइनस एम डैश इंटू में जी बराबर में एम माइनस एम डैश इंटू में टू ए, ये भैया यहां पर अपने को एम डैश की वैल्यू निकालनी है, सुन लीजिए दोनों इक्वेशन को, ये पहली इक्वेशन और ये क्या भी है, इसको सॉल्व करो तो आगे क्या आएगा, ठीक है तो भाई एफ देखिए भैया एफ माइनस के मल्टीप्लाई में करो तो क्या होगा माइनस एम हो जाएगा, और जी की मल्टीप्लाई करते हो माइनस एम, ठीक है ये हो गया, और उसके बाद प्लस माइनस के मल्टीप्लाई में करो तो क्या होगा प्लस एम डैश इनटू में जी बराबर में क्या हुआ, ये क्या हुआ इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो तो क्या हुआ टू एम ए माइनस टू एम डैश ए, ठीक है भैया, अब इन दोनों इक्वेशन को ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन क्या भैया सेकंड है, ऑन एडिंग एडिंग नहीं कोई बात नहीं ये ठीक है विजिबल हो रहा है, ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन दोनों भाई प्लीज बोले बात, फर्स्ट और सेकंड सॉरी सबट्रैक्ट करना है, एडिंग नहीं करना सबट्रैक्ट करना है, क्या दिक्कत, ठीक है भैया सुन लीजिए, ऑन सबट्रैक्टिंग भाई प्लीज बोलिए मत, ऑन सबट्रैक्टिंग सबट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, भाई प्लीज दोनों को सबट्रैक्ट करोगे तो एम डैश की वैल्यू आ जाएगी, किसकी आ जाएगी यही है ना आंसर एम डैश की वैल्यू, हाँ हाँ अब ऐड इसलिए कर रहे हैं ऐड करते तो एफ और एफ टू एफ हो जाता, यहां पर एफ वेरिएबल है तो मुझे एक रिमूव करना है तो इसलिए मैं सबट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है अब एलिमिनेशन पिछले वाले में तो अपने आप ही कैंसिल हो गया था ऐड करने पे, पता ना तेरे को ऐड करते हैं सबट्रैक्ट करते हैं अपने हिसाब से ताकि इक्वेशन सॉल्व हो जाए, वही क्या
समझ गया भैया? ये कर लेना। देखिए एक टॉपिक है, ये वाला, खैर ये तो मैंने करा ही रखा है। देखिए कह रहा भैया इक्विलिब्रियम ऑफ कौन करंट फोर्स। भाई प्लीज देखिए, वैसे मैंने इस पे सारे टॉपिक करा दिए, तो इसको अगर नहीं भी पढ़ाऊंगा फिर भी समझ जाओगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कौन करंट फोर्स क्या होते हैं। तो भैया कौन करंट फोर्स, ऐसे फोर्सेस होते हैं जो एक ही पॉइंट से अराइज होते हैं। क्या होते हैं? और अगर मैं इक्विलिब्रियम बोल दूं तो इसका मतलब सबका सम क्या आएगा? जीरो आएगा। क्या आएगा? इक्विलिब्रियम ऑफ कौन करंट फोर्स, मतलब कौन करंट फोर्स, मतलब जो एक ही पॉइंट से अराइज हो, क्या हो? और इक्विलिब्रियम मतलब अगर हम सबको जोड़ू तो क्या है रिजल्ट? जीरो है। ठीक है भैया, देखिए ये डायग्राम देख रहे हो, ये ओ पॉइंट देख रहे हो, ये एक फोर्स क्या लग रहा है एफ वन, ये क्या लग रहा है एफ वन, ये क्या लग रहा है एफ टू, और ये क्या लग रहा है एफ थ्री। इन तीनों को अगर मैं जोड़ता हूं, अगर एक कौन करंट इक्विलिब्रियम है, कौन करंट इक्विलिब्रियम, तो इसका मतलब क्या हुआ? एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री बराबर में क्या आ गया? जीरो। ये ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा हुआ है जो आपने ध्यान रखना, फोर्स एक्टिंग एट अ सेम पॉइंट। कौन से फोर्स? जो एक ही पॉइंट पर एक बॉडी पे लगते हो, आर कॉल्ड कौन करंट फोर्स। उन्हें क्या कहते हैं भैया? व्हेन नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी सेम पॉइंट एंड नेट अनबैलेंस फोर्स इज जीरो, मतलब उनका कुल सम क्या आ जाए भैया? जीरो आ जाए। द बॉडी विल बी कंटिन्यूअस इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। देखो मैंने आपको बताया था इक्विलिब्रियम का मतलब होता है रेस्ट नहीं होता, मैंने बोला था इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि बॉडी एक्सिलरेट ना करे बस। बॉडी अब एक्सिलरेट ना करने की दो कंडीशन होती है, एक तो बॉडी रुकी हुई हो या बॉडी चल रही हो तो सेम स्पीड से चले। ठीक है भैया, तो अगर मैं इक्विलिब्रियम वर्ड बोल दूंगा तो समझ जाना कि बॉडी एक्सिलरेट, अब एक्सिलरेट नहीं करने का मतलब भी समझ जाओ कि या तो बॉडी रेस्ट में हो या बॉडी मोशन में। लेकिन अब एक वर्ड और मैं बोल दे रहा हूं कि जब भी इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन बोले जाए आपसे, तो आप ना रेस्ट में ही मान के करोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम मतलब क्या मान लेना? रेस्ट में। बाकी मीनिंग क्या होता है इक्विलिब्रियम का? कि भैया बॉडी पे नेट फोर्स जीरो लग रहा हो, बॉडी एक्सिलरेट नहीं कर रही। एक्सिलरेट नहीं करने का मतलब बॉडी की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? कॉन्स्टेंट या जीरो। समझ गया? तो वही लिखा हुआ है, स्ट्रेट लाइन एज सेड टू बी इक्विलिब्रियम। तो कौन करंट फोर्स क्या होते हैं? जो एक ही पॉइंट पर लगते हैं एक बॉडी के, ऐसे फोर्सेस को हम क्या कहते हैं भैया? कौन करंट फोर्स। अब वो इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब सबका सम क्या होना चाहिए? जीरो। एग्जाम्पल में एक और देख लीजिए, मैं एक ब्लॉक बना रहा हूं यहाँ पर, यहां से एफ वन फोर्स लग रहा है, इधर एफ टू फोर्स लग रहा है, इधर एफ थ्री फोर्स लग रहा है, इधर एफ फोर फोर्स लग रहा है। ए बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, तो मतलब क्या हुआ? एफ वन बराबर में, एफ वन बराबर में एफ थ्री एंड एफ टू बराबर में एफ टू बराबर में एफ फोर। या नॉर्मली आप कह सकते हो कि हमने क्या किया, एफ वन को जोड़ा, एफ टू को जोड़ा, एफ थ्री को जोड़ा, एफ फोर को जोड़ा, क्या आया? जीरो आ गया। ये फोर्सेस कैसे फोर्स है? कॉन्करेंट फोर्स है। कैसे पता? क्योंकि तो एक ही पॉइंट पे एक ही बॉडी ले रहे हैं। ठीक है, और इक्विलिब्रियम है इसलिए सबका सम क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। ये ध्यान रखना, समझ में आ गया? हाँ, एक बॉडी के एक पॉइंट से। ठीक है, मैंने जितने भी अब तक ऐसे क्वेश्चन करा रखे हैं वो सब क्या है? कॉन्करेंट वाले पे बेस्ड है, इक्विलिब्रियम इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। खैर मैंने बगैर टॉपिक करा आपको करा दिया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए एक लेमी थ्योरम होती है, वैसे आउट ऑफ सिलेबस है लेकिन कर लीजिए आप। ठीक है, क्योंकि आप मेरे पास पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लेमी थ्योरम क्या कहती है? लेमी थ्योरम बड़ी सिंपल वर्ड में कहती है, देखिए भैया सुन लीजिए। पहली बात तो लेमी थ्योरम का आपको कहीं इस्तेमाल करना नहीं है, वैसे हर जगह पे कर सकते हो, जहां पर फोर्सेस कौन करंट हो इक्विलिब्रियम में हो, समझ में आ गया ना मेरी बात? वहां पर आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उसके उससे बढ़िया आप इक्वेशन बनाओ और सॉल्व करो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो लेमी थ्योरम कहती है, ध्यान दीजिए भैया, लेमी थ्योरम कहा गया भैया? लेमी थ्योरम कोई स्टेटमेंट लिखनी, बस इतना ध्यान रखना कि भैया एक पॉइंट है जहां पर एक फोर्स लग रहा है एफ वन, एक फोर्स लग रहा है एफ टू,
एक फोर्स लग रहा है एफ थ्री, यहां पर अल्फा एंगल बन रहा है, यहां पर बीटा एंगल बन रहा है, और यहां पर गामा एंगल बन रहा है। ठीक है, क्या कहता, सुन लीजिए भाई प्लीज। कहता है भैया कि एफ वन अपॉन में साइन अल्फा क्या होगा, एफ वन के अपोजिट कौन सा एंगल है, अल्फा, तो हम लिखेंगे साइन अल्फा। बराबर में एफ टू अपॉन में, एफ टू के अपोजिट कौन सा है, साइन बीटा। बराबर में एफ थ्री अपॉन में साइन गामा, सॉरी गामा, गामा। ये हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करें, तो भैया हो सकता है आपको एफ वन दे रखा, इसमें रिजोल्यूशन करने की आवश्यकता नहीं होती। मैंने जब तक, जैसे अब तक कराया उसमें रिजोल्व करते थे आप कंपोनेंट्स को, एफ वन है साइन थीटा कॉस थीटा ऐसा, इसमें रिजोल्व करने की आवश्यकता नहीं होती। इसमें सीधा क्या करना है भैया आपको, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है अपने पास, तो ये सारे कॉन्करेंट फोर्स है, ये फोर्स, ये फोर्स, ये फोर्स और ये फोर्स सब इसी पॉइंट से तो आ रहे हैं और इक्विलिब्रियम में भी है। तो अभी तभी तो वही करते हो आप, वही फंडा अप्लाई करते हो कि अगर ये कॉन्करेंट है, इक्विलिब्रियम है, तो इसका मतलब ये बराबर में, ये 50 बराबर में टी वन साइन थीटा और टी कॉस थीटा बराबर में 6 kg वेट। याद है इक्वेशन ना सॉल्व करो, इसलिए भाई ये मैं लेमी थ्योरम का इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं करता, मैं खुद नहीं करता हूँ। ठीक है, लेवी थ्योरम बस आपको पता होनी चाहिए, एक आध क्वेश्चन मैं करा दूंगा इसके आगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं बोलिए कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए, ठीक है भैया, तो मेरी बात सुनिए, अगली क्लास में हम दो तीन टॉपिक क्वेश्चन करने के बाद एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन मैं आपको घर के लिए दे दूंगा, ठीक लगा दूंगा, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे रुकेगा, सारे कर लोगे। ठीक है, मिलते अगली क्लास में, टाटा बाय, जय हिंद, जय भारत। Gracias.